नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संजय दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा के द्वितीय चरण के मतदान के लिए मतदान दलों को किया गया रवाना। दुर्ग जिले में बनाए गए हैं 1485 मतदान केंद्र, सुरक्षा व्यवस्था हुई चाक चौबंद। छठ पर्व के मद्देनजर अब तक पूरी नहीं हो सकी शहर के छठ तालाबों की साफ सफाई, नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही आई सामने। नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी होने की वजह से निगम मुख्यालय में पसरा सन्नाटा, सोमवार से नगर निगम का कामकाज पटरी पर आने की उम्मीद। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ भाजपा के चुनाव सह प्रभारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में पत्रकार वार्ता कर दावा किया कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत की बुनियाद तैयार हो चुकी है। 17 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान में जनता छत्तीसगढ़ को कुशासन से मुक्त करने, विकास की बुलंद इमारत खड़ी करने आतुर है। छत्तीसगढ़ में अधूरा छंट रहा है, सूरज निकलने वाला है। 3 दिसंबर को जनता की फिर से दीपावली होगी। दूसरा, मैं आपका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा। जब से चुनाव स्टार्ट हुआ, हमारी यात्रा स्टार्ट हुई, तब से आज तक आप लोगों ने छत्तीसगढ़ के और देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए निष्पक्ष रूप में समाचार को प्रसारित किया, हमारी बात को अच्छी तरह से जनता के सामने आप लोगों ने रखी, इसलिए मैं आपके प्रति, जब चुनाव का प्रचार का आज आखिरी दिन है, उस अवसर पर आभार व्यक्त करने का भी अपॉर्चुनिटी लेता हूं। दोस्तों, आप सब लोगों ने देखा, लोकशाही में चुनाव महत्वपूर्ण होता है। चुनाव लोकशाही का एक अभिन्न अंग है और हमारी डेमोक्रेसी में व्यवस्था की गई है कि दलीय व्यवस्था में, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, सब दल अपने एजेंडा, अपने अपने मैनिफेस्टो, अपने विचारधारा के द्वारा अपनी बात रखते हैं। जनता पार्टी को, दल को पसंद करते हैं और जिस दल को बहुमत मिलती है वो दल अपना नेता तय करके सरकार की रचना करते हैं। आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति कार्य पद्धति रही है, हम डेमोक्रेटिक सिस्टम पर विश्वास रखते हैं। आपने हमारे चुनाव प्रचार के दरमियान देखा होगा, चुनाव एक ऐसी स्थिति में हमने लड़ा जहां हमने कोई भी जगह पे मसल पावर और मनी पावर का प्रयोग करने की कोशिश नहीं की। आपने देखा होगा, पिछले 15 दिन में, 1 महीने में कांग्रेस ने मनी पावर और मसल पावर के द्वारा अपना सत्ता का उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को डराने की कोशिश की। बार बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की धरपकड़ हुई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकियां मिली। हमारे 2 कार्यकर्ता, एक बिरजू तारेम और दूसरा रतन दुबे, 2 कार्यकर्ता की हत्याएं हुई, उसके हत्यारा के सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई और वहां इस गांव में लोगों को धमकी दी गई। मैं रतन दुबे के परिवार को अभिनंदन करना चाहता हूं। आप सब लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा होगा, मतदान के दिन सब परिवार गुंडागिर्दी के सामने, अत्याचार के सामने आवाज उठाने के लिए, छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उसके परिवार ने हिम्मत के साथ वोटिंग किया और गुंडाओं को, नक्सलवाद से जुड़े हुए लोगों को संदेश दिया, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम लोकशाही को मजबूत करना चाहते हैं और राज्य में एक सशक्त सरकार बनाना चाहते हैं ताकि छत्तीसगढ़ के लोगों की
जान माल की रक्षा कर पाए। दोस्तों, पिछले चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री जी की 6 रैली हुई, आप सब लोगों ने देखा, विशाल संख्या में जनसमूह उपस्थित रहे और मोदी जी ने लोकतंत्र में एक अच्छी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए आह्वान किया। हमारे गृह मंत्री जी ने 9 सभाएं की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 10 सभाएं की, कुल मिला के 90 विधानसभा में 100 से अधिक छोटी मोटी सभाएं करके हमने जनता जनार्दन के बीच में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो हमने जनता के सामने रखा। आप सब लोगों ने मैनिफेस्टो के बारे में सुना है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम कभी वायदा का व्यापार करके केवल चुनावी वायदा नहीं करते हैं। हमने जो जो राज्य में जो जो कहा था हमने करके दिखाया। आप लोग देख सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। आपके मीडिया कलीग कर्नाटका में भी होंगे, आपके मीडिया कलीग हिमाचल प्रदेश में भी होंगे, हिमाचल के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बताया था। महिलाओं के लिए वहाँ भी घोषणा हुई थी, युवाओं के लिए घोषणा हुई थी, लेकिन घोषणा ही केवल घोषणा रह जाती है। ये कांग्रेस की रीति नीति कार्य पद्धति रही है। उसका एजेंडा केवल चुनाव जीतना है, उसका एजेंडा चुनाव जीत के सरकार बनाना है। हमारा एजेंडा जनहित का एजेंडा है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी गारंटी मोदी की गारंटी है और इसलिए हमने जो वादा किया है हमारे मैनिफेस्टो में बहुत सोच के बहुत समझ के किया है। कांग्रेस ने आपने देखा होगा पहले कहा कि हम 2600 में धान खरीदेंगे, बाद में उसके एक नेता ने यहाँ घोषणा की हम 3000 में धान खरीदेंगे, फिर उसको लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो में ज्यादा कर दिया तो फिर अनाउंसमेंट किया कि हम 3200 में धान खरीदेंगे। हमने एक बार ही कहा है और हम करके रहेंगे। हम छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ कभी अन्याय नहीं करेंगे। वो कहते हैं करते नहीं है और आज भी 4 किस्त में वो पैसा देते हैं, किसान को राह देखनी पड़ती है। किसान को अपने घर में प्रसंग होता है, परिवार में कामकाज होता है, बेटे बेटे की शादी होती है, एक साल में एक बार उसके यहाँ उत्पादन होता है, उसका तुरंत ही पैसा मिले बहुत आवश्यक होता है। हमने तय किया है कि हम किसानों को तुरंत ही एक ही मुश्क में उसके अकाउंट में पैसा दे देंगे। दोस्तों, मैं मानता हूँ ये दिसंबर महीना छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण महीना है। हमने मैनिफेस्टो में जो घोषणाएं की है, हमने ऐसा नहीं कहा है, जब विधानसभा के फ्लोर पर बोलते हुए मैंने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के एक वीडियो देखा, वो कह रहे थे कि दारूबंदी के लिए हमने वादा किया है, लेकिन अभी तो हमारी सरकार के पास 5 साल है, अभी 5 साल भी पूरी हो गई, 5 साल में अपने अपने वादे का अमल नहीं किया। हम कोई 5 साल के लिए वादे के लिए राह दिखाने वाली पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आज हमने मैनिफेस्टो में वादा किया है, दिसंबर की 3 तारीख में हमारा बहुमत मिलने के बाद हमारी सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद हम तुरंत ही हमारा मैनिफेस्टो का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इसलिए दिसंबर महीना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण महीना है। ये महीने में ही हम पहला काम, पहली कैबिनेट में हमारा काम होगा, हम छत्तीसगढ़ के जिस परिवार के पास अपना घर नहीं है ऐसे 18 लाख परिवार के लिए 18 लाख मकान देने के लिए कैबिनेट में अप्रूव करेंगे। ये हमारा पहला वादा और दिसंबर में ही हम पूरा करेंगे। दूसरा, जो पीएससी में हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य के युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, अनजस्टिस हुआ है, मैं भी स्टूडेंट था, आप भी स्टूडेंट रहे, जब हम स्टूडेंट होते हैं तब हमारी एम्बिशियस होती है, हम मेहनत करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम करेंगे, एग्जाम देंगे, पास होंगे, और भला किसके मन में नहीं होता कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में आए, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन में आए और गवर्नमेंट जॉब में आए, उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करें। युवा लोग रात दिन मेहनत करते हैं। मैं भी एक बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए तैयारी करता था, मुझे पता है
ऐसी मेहनत करने वाले युवाओं के साथ जो अनजस्टिस हुआ है, मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता था, मेरा दिल दुख जाता था। पहचान वाले नज़दीकी लोग को नौकरी देने के लिए मेरिट में, जिसकी कोई लागवग नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, ये सरकार की रीति नीति रही, लागवग ये लायका, पैसा ये परमेश्वर। चुनाव में कांग्रेस पार्टी का नुकसान करने की दृष्टि से दुष्प्रचार करने के लिए फर्जी पत्र जारी करने की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस को बताया गया है कि कांग्रेस की प्रभारी महासचिव कुमारी शैलजा के फर्जी लेटर हेड पर एक फर्जी पत्र इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित और प्रचारित किया जा रहा है। आरोप लगाया गया है कि इसमें चुनाव के परिणामों को लेकर एक मनगढ़ंत आंकलन किया गया है और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम से भी दुष्प्रचार किया जा रहा है। इसका आरोप भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार संभाल रही कंपनी पर लगाया गया है। हमारी प्रभारी कुमारी शैलजा के नाम से फर्जी पत्र, फर्जी सर्वे रिपोर्ट बना के हमारे जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं, किसी वेणुगोपाल के पास भेजने की झूठी पत्र को वायरल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह वायरल किया गया हमें पूरी शंका है, इसलिए हमने आज सिविल लाइन थाने में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाया। हम मांग की है कि तत्काल इसमें FIR दर्ज की जाए, इनकी गिरफ्तारी की जाए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी की जाए, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया देख रहे हैं, जो टीम देख रहे हैं, हमने नाम भी जिनके ऊपर शंका उनका नाम भी इस आवेदन पत्र में दिया है। यदि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी, और जो लोग भी इस फर्जी पत्र को और प्रचारित प्रसारित करेंगे हम उनके खिलाफ भी FIR दर्ज करवाएंगे। पत्र में किन किन चीज़ों का जिक्र किया गया है? पत्र में विभिन्न प्रकार की फर्जी चीज़ों का उल्लेख किया गया है, उस पत्र को हम मीडिया को भी उपलब्ध कराएंगे, और इसको जो भी प्रचारित करेंगे उसके खिलाफ भी हम फर्जी रिपोर्ट दर्ज करेंगे। BJP किसी बड़े नेता का नाम भी उसमें जोड़ा गया है क्या? देखिए, चूंकि ये मामला भारतीय जनता पार्टी संगठन से जुड़ा हुआ, तो उनके प्रदेश अध्यक्ष और जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार का काम देख रहे हैं, टीम बराह उनके जो यहाँ पे प्रमुख हैं, उन सबके नाम हमने उसमें लिखाए हैं। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हां, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, यहां पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्तरोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्तरोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा ना होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्तरोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। महावारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंगरीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता, डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग, मोबाइल नंबर 9981659182। भारतीय सिल्क एक्सपो 2023 हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी, जो कि इन दिनों सूर्या मॉल के सामने ग्राउंड में लगी हुई है, शहरवासियों की पहली पसंद बनी। इस प्रदर्शनी में 50,000 से ज्यादा वैरायटियां उपलब्ध है। त्योहारी सीजन में एक ही छत के नीचे 50,000 से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह उपलब्ध होने के कारण रोजाना हजारों की संख्या में यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। श्री कृष्णा हस्तशिल्प ग्रामोद्योग समिति के तत्वावधान में लगी प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। जैसे बता दें, राजस्थान से जयपुरी बेडशीट, टोप, राजस्थानी चुनर, सुपारी, मुखवास, जयपुरी सूट है, तो वहीं उत्तर प्रदेश से लखनवी चिकन सूट, कुर्ता पैजामा, शर्ट, बनारसी सिल्क साड़ी है। हरियाणा से बेडशीट, कवरनेट, खादी ड्रेस मटेरियल सूट आदि है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली से हैंडलूम ड्रेस मटेरियल, फैंसी लेडीज टॉप, फैंसी लेडीज चप्पल, लेदर बैग, लेदर बेल्ट पर्स आदि है। तो साथ ही साथ कोलकाता से काथा सिल्क साड़ी, फैंसी ड्रेस मटेरियल, कोलकाता कॉटन साड़ी व टॉप कोलकाता जूट बैग है। महाराष्ट्र से फैंसी लेडीज चप्पल, स्पेशल कॉटन साड़ी एवं ड्रेस मटेरियल। तो साथ ही साथ गुजरात से बेबी ड्रेसिंग, दीवान सेट, गुजराती नमकीन, चनिया चोली, गुजराती टॉप आदि है।
और बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर से कश्मीरी टॉप सूट, एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस, कारपेट, दुपट्टा, कश्मीरी शॉल है तो कर्नाटक से कॉटन सिल्क साड़ी, चनापटनम टोयस, मैसूर अगरबत्ती, सूट पाचम पल्ली साड़ी आदि है। पंजाब से फुलकारी सूट, नाइट सूट, टी शर्ट, लेदर बैग तो मध्य प्रदेश से चंदेरी सिल्क साड़ी ड्रेस मटेरियल, बिहार से भागलपुरी सिल्क साड़ी सूट ड्रेस मटेरियल, मधुबनी पेंटिंग, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, हैदराबाद से नेचुरल पल्स, हैदराबादी मोती ज्वेलरी, हैदराबादी साड़ी सूट ड्रेस मटेरियल है। तमिलनाडु से विंडो कॉटन, डोर कॉटन, पिलो कवर, डोर मैट है तो ओडिशा से क्रोशिया, बेबी सूट, टेबल मैट आदि है। इतना ही नहीं, सहारनपुर के खूबसूरत फर्नीचर सहसा ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। दुकानदारों ने ही बताया कि उनके पास किस रेंज के, किस वैरायटी के सामान उपलब्ध हैं। भारतीय सिल्क एक्सपो हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एकमात्र ऐसी प्रदर्शनी जिसमें एक ही छत के नीचे किफायती दरों पर हजारों वैरायटियां। तो देर किस बात की है, आप भी इस त्योहारी सीजन में अपने बजट के अनुसार मनपसंद खरीदारी करने भारतीय सिल्क एक्सपो अवश्य पहुँचे। हमारा पता भारतीय सिल्क एक्सपो, सूर्य मॉल के सामने, जुनवानी रोड, स्मृति नगर, भिलाई। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल जिसमे 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 07884011778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, जीई रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर 1 के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत जिले के 1485 मतदान केंद्रों के लिए मानस भवन पॉलिटेक्निकल कॉलेज और साइंस कॉलेज से मतदान दलों को सामग्री का वितरण किया गया। साथ ही दुर्ग रविशंकर स्टेडियम से मतदान कर्मियों की बसें रवाना हुई। दुर्ग विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत जिले के 1485 मतदान केंद्रों के लिए गुरुवार को दुर्ग के मानस भवन पॉलिटेक्निक कॉलेज और साइंस कॉलेज से मतदान दलों को मतदान सामग्रियों का वितरण किया गया।
इसे मानस भवन दुर्ग में विधानसभा पाटन दुर्ग शहर साजा बेमेतरा आंशिक के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज में दुर्ग ग्रामीण एवं अहिवारा तथा साइंस कॉलेज में भिलाई नगर और वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों के लिए मतदान दलों को सामग्रियों का वितरण किया गया। शुक्रवार को होने जा रहे सभी 6 विधानसभा में चुनाव को लेकर मतदान कराने मतदान कर्मियों को चुनाव सामग्रियों के वितरण को लेकर सुबह 6 बजे से ही बुला लिया गया था। वहीं सामग्री स्थल पहुंचे मतदान कर्मियों को अपने पोलिंग बूथ की स्थिति जानने काउंटर में भीड़ नजर आई। इसके बाद सभी मतदान कर्मी अपने अपने बूथ पर जाने रविशंकर स्टेडियम में खड़े वाहन पर बैठकर रवाना हुए। मतदान कर्मियों को मिले निर्देश पर 17 नवंबर को शाम 5 बजे से ही जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र एवं 2 आंशिक विधानसभा क्षेत्रों की मतदान सामग्रियों को वापस शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज जुनवानी में व्यवस्थित किया जाएगा। हमारे यहाँ पर 1485 पोलिंग स्टेशन हैं और सभी में सामग्री जो सारी जो टीम है आज सभी सुबह 8 बजे से टीम आ गई थी। सभी का आज सामग्री का वितरण किया जा चुका है। अब टीम्स को अपने अपने जो सेक्टर है और पोलिंग स्टेशन से वहाँ पे अभी डिस्पैच करने का काम अभी वह सब स्टार्ट हो रहा है। इस बार कोशिश ये की गई है कि सारे पोलिंग स्टेशन पे वोटर्स को भी बहुत अच्छा एक माहौल मिले, सभी तरह की आवश्यक सुविधाएं उनको मिले, बहुत लंबी क्यू में ना लगना पड़े, छाया पानी शौचालय इन सभी की अच्छी व्यवस्था उनके पास रहे। साथ साथ में जो हमारी पोलिंग टीम जब जाती है रात को स्टे करती है तो उनके लिए भी एक अच्छा एक माहौल वहाँ पर है, उनको असुविधा ना हो इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। साथ में पुलिस की तरफ से भी और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हमने पर्याप्त मात्रा में पूरे जिले के 1485 पोलिंग स्टेशन में लगाई हैं और 735 पोलिंग स्टेशन पे हमारी लाइव वेबकास्टिंग चल रही है, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से भी देखा जा सकता है, स्टेट इलेक्शन ऑफिस में भी उनको देखा जा सकता है और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस में भी कलेक्ट्रेट के अंदर भी उन सारे पोलिंग स्टेशन का पूरा लाइव उसमें देखा जा सकता है। इनमें 2 हमारी संवेदनशील पोलिंग स्टेशन हैं और कानून व्यवस्था के हिसाब से लगभग हमने 385 पोलिंग स्टेशन रखे थे जो संवेदनशील हम मान रहे थे, तो उनको भी इसमें हमने रखा है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि कल 17 तारीख को दुर्ग जिले में और पूरे छत्तीसगढ़ में सेकेंड फेज का चुनाव है, तो आज यहाँ 16 तारीख को जिला मुख्यालय दुर्ग में 3 वितरण केंद्र बनाए गए हैं। एक मानस भवन है जिसमें के 2 विधानसभा हैं, विधानसभा पाटन और दुर्ग शहरी, और साथ ही जो हमारे जो 2 आंशिक विधानसभाएं हैं साजा और बेमेतरा, इनके जो वितरण केंद्र पे हमारे जो पोलिंग पार्टीज़ हैं उनको मतदान दल को वहाँ से वितरित किया जा रहा है। साथ ही उनके हर एक मतदान दल के साथ एक एक हमारा पुलिस का जवान या कोटवार या होमगार्ड जो भी SPOs हैं वो रहते हैं, तो उनको वहाँ से वितरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त दूसरा जो वितरण केंद्र है वो साइंस कॉलेज है, जिसमें के हमारे विधानसभा भिलाई नगर और वैशाली नगर, इन दोनों का वितरण किया जा रहा है। और तीसरा हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज है जिसमें के दुर्ग ग्रामीण और अहिवारा विधानसभा का वितरण किया जा रहा है। इस प्रकार कुल 1485 पोलिंग बूथ हैं, जिसमें के 584 के करीब हमारे जो संवेदनशील पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, तो इनमें हमारे जो पुलिस के जवान और कोटवार के अलावा सभी जगहों पर अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। आज यहाँ वितरण केंद्र से हमारी जो सारी पोलिंग पार्टीज़ हैं मतदान केंद्रों पर पहुँच जाएंगी और कल सुबह से जो निर्धारित 8 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न सेक्टरों में बांटा गया है पूरे क्षेत्र को, करीब 70 हमारी सेक्टर पेट्रोलिंग पार्टीज़ बनाई गई हैं और 132 सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिनके साथ एक एक सेक्टर पुलिस अधिकारी भी नियुक्त किए हैं। इस प्रकार पूरी तरीके से शांतिपूर्वक मतदान कराने हेतु व्यवस्था लगाई गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम शांतिपूर्वक मतदान कराने में सफल रहेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत दूसरे चरण में 70 विधानसभा क्षेत्रों में 17 नवंबर को मतदान किया जाएगा। चुनाव के लिए अब प्रचार प्रसार का शो थम चुका है। मतदान को लेकर शहर में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।
लोकतंत्र के इस पर्व पर युवा, वृद्ध, महिला, पुरुष सभी मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने मतदान के विषय पर अपने अपने विचार रखते हुए कहा कि जागरूक मतदाता वोट देने के साथ ही अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी मतदान करने के लिए उत्साहित करे, उनको बताए कि विकास के लिए एक वोट कितना कीमती है। मैं कहना चाहूँगी कि अपने जो वोट का मतदान का जो ताकत है वो हमें दिखाना चाहिए। सब जाके, मतलब कोई भी छुटना नहीं चाहिए, सब जाके वोट दे, जल्दी जल्दी जाके मतदान करें ताकि जो हमें एक अच्छा सरकार मिल सके और हमारा जो मतदान है वो सक्सेसफुल हो सके, कोई भी ना छूट पाए। मैं राजेश अग्रवाल, मेरा कहने का मतलब कि कल 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव में एक जागरूक मतदाता होने के नाते हर व्यक्ति को अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए और मतदान जो हमारा अधिकार है उसका हमको सदुपयोग करना है। मतदान सभी कार्य को छोड़ के हमको मतदान पहले करना है, सुबह उठ के दूसरा काम बाद में, जलपान बाद में, पहले मतदान। इससे हमारा अनुरोध है कि निर्विरोध निष्पक्ष चुनाव के लिए हम अपने मत का प्रयोग अवश्य करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि सब काम छोड़ के अपना मतदान दें और हर चीज़ को विजय बनाएं, सब चीज़ को। लोकतंत्र का महापर्व निर्वाचन 17 तारीख को होने वाला है। कृपया अपने मत की ताकत को पहचानें और 17 तारीख को वोट जरूर दें। छठ पर्व के मद्देनजर नगर निगम प्रशासन द्वारा शहर के छठ तालाबों की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर उदासीनता बरती गई है। सफाई के नाम पर मात्र खाना पूर्ति ही की गई है, वहीं कुछ तालाबों में सफाई कार्य शुरू भी नहीं किया गया है। शुक्रवार से शुरू हो रहे छठ पर्व के मद्देनजर नगर निगम प्रशासन द्वारा अब तक शहर के छठ तालाबों की साफ सफाई कार्य को शुरू नहीं किया गया है। दिखावे के नाम पर नगर निगम प्रशासन द्वारा कुछ तालाबों की सफाई कार्य को आधा अधूरा कर छोड़ दिया गया है। ऐसी ही स्थिति बैकुंठ धाम तालाब में भी देखने को मिली है। नगर निगम प्रशासन द्वारा तालाब सफाई के नाम पर यहां केवल खाना पूर्ति की गई है। तालाब के किनारे अब भी गंदगी और कचरे का ढेर देखने को मिलता है। वहीं तालाब का पानी गंदा और बदबूदार हो चुका है। संध्या समय तालाब परिसर में लाइट व्यवस्था को लेकर मचान जरूर बना दिए गए हैं, लेकिन तालाब की सफाई कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया है। नगर निगम प्रशासन की इस लापरवाही की वजह से तालाब परिसर में पूजा अर्चना करने आए लोगों को निश्चित रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी ही स्थिति शहर के कुछ अन्य तालाबों में भी देखने को मिलती है, जिसमें शहर का प्रसिद्ध सुपेला का शीतला तालाब भी शामिल है। यहाँ भी हजारों की संख्या में छठ महापर्व को मनाने लोग सपरिवार पहुँचते हैं। इन तालाबों में फैला कचरा और गंदगी को देखकर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली का अंदाजा लगाया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का खामियाजा छठ महापर्व मनाने आए लोगों को भुगतना पड़ेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। टेंशन ना लो, शिवा ले। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल।
जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क प्रवेश स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं हैं, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहां मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर, उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर, चले सालों साल करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रियल टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं, कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुपेला चौक में यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। ट्रैफिक सिग्नल नहीं होने से वाहन चालक मनमाने ढंग से चौराहे को पार करते हैं, जिसकी वजह से इनके नेशनल हाईवे से गुजरते वाहनों की चपेट में आने का अंदेशा बना रहता है। सुपेला चौक की यातायात व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। चौक में ट्रैफिक सिग्नल नहीं होने की वजह से ऐसी स्थिति निर्मित हुई है, जिसका फायदा उठाते हुए सभी प्रकार के छोटे बड़े वाहन चालक लापरवाही पूर्वक सुपेला चौक को क्रॉस कर आना जाना कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन वाहन चालकों के नेशनल हाईवे से गुजरते भारी वाहनों की चपेट में आने का अंदेशा हर वक्त बना रहता है। रात के समय यहां स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में दो पहिया और छोटे चौपहिया वाहन चालक मनमाने ढंग से सड़क को क्रॉस करते नजर आते हैं। चौक में चारों ओर से वाहनों की आवाजाही निरंतर बने रहती है।
सभी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में चौक को क्रॉस करते नजर आते हैं। पूर्व में यहां ट्रैफिक कर्मचारियों की तैनाती की गई थी, जिन्हें अब हटा लिया गया है। सुपेला चौक में कोई बड़ी दुर्घटना हो इसके पूर्व यहां की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तत्काल पहल किए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। उमरा यात्रा के लिए दुर्ग रेलवे स्टेशन से रवाना हुआ उमरा यात्रियों का जत्था, इस अवसर पर पुरुष महिला सहित करीब 35 लोग हुए रवाना। हज की पवित्र यात्रा के जैसे ही उमरा यात्रा के लिए गुरुवार को दुर्ग रेलवे स्टेशन से करीब 35 लोगों का एक जत्था मुंबई के लिए रवाना हुआ, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल रहे। बता दें कि मुस्लिम समाज में हज यात्रा को बहुत मुकद्दस और पवित्र माना जाता है। उसी तरह उमरा की यात्रा की जाती है, जिसमें बहुत से धार्मिक स्थलों की जियारत के साथ ही खाने काबा का तवाफ भी किया जाता है इसी कड़ी में दुर्ग से उमरा के लिए मोहम्मद अली रफिया बेगम, शाहजहाँ बेगम, मोहम्मद इरफान गहलोत, मोहम्मद सलीम देवंदिया, सैयद फारूक अली, सिद्दीक सोलंकी, नौशीन गहलोत, शमा गहलोत सहित अन्य रवाना हुए। इनकी मुंबई से फ्लाइट 19 नवंबर की शाम जद्दा के लिए उड़ान भरेगी और इसके साथ ही इनकी वापसी 4 दिसंबर को जद्दा से हैदराबाद पहुंचेगी। आज हम लोग शिवचैनी टूर ट्रेवल्स के जानिब से सलीम भाई के मार्फत हम लोग आज 11 लोग उमरा के लिए निकल रहे हैं। दुर्ग से हम लोग 11 लोग हैं और भी जगह से तमाम लोग हैं, जैसे राजिम से है, रायपुर से है, भिलाई से है, खैरागढ़ से है। हम लोग तकरीबन 55 लोग हैं हम लोग उमरा के लिए, और आज हमारी रवानगी यहाँ से दुर्ग से हो रही है मुंबई के लिए, और मुंबई से हमारी 19 तारीख को 4:15 फ्लाइट है। ये हमारा 15 दिन का उमरा का सफ़र रहेगा और 15 से 16 दिन का लगभग रहता है। वापसी हमारी 6 दिसंबर को हम लोग वापसी अपने दुर्ग अपने शहर पहुँच जाएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी होने के कारण निगम मुख्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी विभागों में कार्य ठप है, आवश्यक सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। ऐसी स्थिति अभी सोमवार तक बने रहने की संभावना है। शुक्रवार को चुनाव संपन्न होने के बाद शनिवार और रविवार को अवकाश रहेगा। सोमवार से ही नगर निगम की व्यवस्था पटरी पर आएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में होने जा रहा है, जिसके दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को है, जिसे लेकर निर्वाचन आयोग ने इस बार दो अनोखे मतदान केंद्र बनाए हैं, जिसके बारे में निर्वाचन केंद्र के व्यवस्थापक अमिताभ शर्मा ने विस्तृत जानकारी ग्रैंड एशिया न्यूज टीम को दी है। नमस्कार दोस्तों, विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में हो रहा है और इसके दूसरे चरण का मतदान 17 तारीख को होना है। आज हम खड़े हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैंप 1 भिलाई में, जहां पर मतदान केंद्र बनाया गया है। इस बार निर्वाचन विभाग की तरफ से दो ऐसे अनोखे मतदान केंद्र तैयार किए जा रहे हैं, जिनके बारे में हमें सूचना मिली है। एक है संगवारी मतदान केंद्र और दूसरा है दिव्यांग मतदान केंद्र। और नगर पालिक निगम भिलाई के जितने भी जोन हैं, उनके जो कमिश्नर हैं, उनको व्यवस्थापक के रूप में ड्यूटी लगाई गई है, व्यवस्था उन्हीं को देखनी है। ये जो दो नए प्रकार के जो मतदान केंद्र है, जो कि एक संगवारी है और दूसरा है दिव्यांग, ये क्या है, किस तरह से ये काम करेंगे, हमारे साथ आज मौजूद हैं व्यवस्थापक अमिताभ शर्मा जी। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं यह किस तरह से काम करेगा। आइए बात करते हैं व्यवस्थापक बने हुए जोन कमिश्नर अमिताभ शर्मा जी से। शर्मा जी, सबसे पहले ग्रैंड एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू। तो इसे इलेक्शन महोत्सव में जो चुनाव की तैयारी चली उसके लिए यहाँ पे आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। शर्मा जी, इस बार हमने सुना है कि निर्वाचन विभाग की तरफ से दो अनोखे प्रकार के मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसका एक का नाम शायद संगवारी रखा हुआ है और दूसरा दिव्यांग। तो बताएंगे ये किस तरह से संचालित होगा और उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है, क्यों ये अलग है इसमें? नहीं, इसमें सभी जोन में और भिलाई और वैशाली नगर विधानसभा के कुछ मतदान केंद्रों को सेलेक्ट किया गया, जो संगवारी मतलब जिसमें लोग सुविधाजनक दृष्टि से उसको बनाया जा रहा है केंद्र को, जहां लोग बैठने की व्यवस्था छायादार स्थान होगा, उसे डेकोरेट करेंगे, वहां बैठने की व्यवस्था, अगर कोई मतदाता लाइन में है उसको लगता है कि यहाँ मैं कुछ वेट कर सकूँ तो उसके लिए वहाँ व्यवस्था रहेगी। और दिव्यांग में भी है कुछ मतदान ऐसे, जहाँ दिव्यांगों के लिए प्राथमिकता देते हुए
अधिकांश है वो एक केंद्र वो बनाया जा रहा है। इसके अलावा एक दो मतदान केंद्र हैं जो जिसको सिर्फ यूथ बूथ बनाए हैं, जहाँ जो भी पोलिंग जो स्टाफ है वो यूथ को वहाँ रखा गया है। इस टाइप से कुछ नए पहल पहली बार चुनाव के माध्यम से किया जा रहा है। संगवारी मतदान केंद्र में हमने ये सुना है कि वहाँ पे जो स्टाफ होगा, निर्वाचन स्टाफ होगा, वो सारी महिलाएं होंगी, क्या ऐसा है कुछ? नहीं, जो संगवारी मतदान केंद्र तो सिर्फ एक बैठने की जगह है, वहाँ उससे कुछ महिलाओं को उसका मतलब नहीं है। बूथ जरूर कुछ बना जहाँ बूथ में महिलाएं रहेंगी, ये सिर्फ एक वेटिंग शेड है जहाँ सर्व सुविधा के लोग उनको शांति से बैठने के लिए छायादार स्थान होगा, उसे डेकोरेट कर रहे हैं। दिव्यांग मतदान केंद्रों के लिए भी हमको ऐसा कुछ पता चला था कि वहाँ का जो BLO है, जो स्टाफ है, वो सारे दिव्यांग होंगे। BLO को तो करीब करीब सभी बूथ में उपलब्ध रहेंगे और दिव्यांगों के लिए जो सुविधा है उसके लिए व्हील चेयर आदि की व्यवस्था भी उस वहाँ पे स्टॉल पे किया जा रहा है ताकि कोई भी दिव्यांग अगर आते हैं तो कहीं भी उन्हें कोई दिक्कत ना हो। BSF के जवान यहाँ पे तैनात किए गए हैं, उनकी कितनी अहम भूमिका होगी इस चुनाव में? अब निर्वाचन में जो सुरक्षा व्यवस्था वो तो शासन के माध्यम से होता है, पुलिस भी इन्वॉल्व है तो BSF की भी, तो कहीं कहीं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो और एक अच्छे से हमारा जो ये चुनाव का पर्व है वो संपन्न हो तो सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से तो प्रशासन द्वारा ये व्यवस्था की गई है। क्या कुछ खास होगा, जैसे जो लोग यहाँ मतदान देने आएंगे, जो लोग मतदान देने आएंगे उनके लिए पीने की पानी की व्यवस्था, इन सब चीज़ों को लेकर के क्या व्यवस्था होगी? यहाँ सभी बूथों में नगर पालिका द्वारा प्याऊ की व्यवस्था भी की जा रही है, जो मतदान पार्टी है उनके लिए भी वहाँ उनके जहाँ रुक रहेंगे वो कमरों में पानी मतलब जो भी आवश्यक सामग्री गद्दा तकिया उनको भी जरूरत पड़ती है सभी की व्यवस्था निगम द्वारा इस बार की जा रही है ताकि कोई बाहर से कर्मचारी आया है तो उसे यहाँ कोई दिक्कत ना हो। कुछ जगह ऐसा देखा गया है कि ज़्यादा देर होने से वहाँ कुछ मेडिकल इमरजेंसीज की जरूरत पड़ती है, किसी को चक्कर आ जाता है, कोई कुछ भी अनहोनी एक घटना हमने कई मतदान केंद्रों में देखा है, तो नगर पालिका निगम भिलाई के क्षेत्र में जितने भी मतदान केंद्र हैं उसमें क्या व्यवस्था रहेगी? इसके लिए नगर निगम के द्वारा करीब करीब हर मतदान केंद्र में निगम के कर्मचारी और जो स्कूल के भी स्टाफ है उनको भी निर्देशित किया गया कि वो तो मतलब मतदान दिवस को पूरे जब तक है सुबह 7 से लेकर शाम 6 बजे तक उपस्थित रहें और इस तरह से अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उसके लिए तत्काल नगर निगम के स्टाफ या और दूसरे भी हैं जो हमारे कॉन्टेक्ट पर्सन है उनके माध्यम से हमें सूचित करें तो हम नगर निगम द्वारा फिर उसकी व्यवस्था कराई जाएगी। धन्यवाद सर, आपका बहुत अच्छी जानकारियां आपने दी हैं और ये जो दो नए मतदान केंद्र निर्वाचन आयोग की तरफ से जो बनाए गए हैं काफी अच्छे लग रहे हैं, देखते हैं इसका कितना प्रतिसाद मिलेगा। वो सरकार चुनाव आयोग की पहल है कि 100% मतदान हो, तो इस मंच के माध्यम से मैं भी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और जो शासन की मंशा है कि 100% मतदान हो उसमें सहभागी बने। दोस्तों, ये थे नगर पालिका निगम भिलाई के ZONE 3 के कमिश्नर अमिताभ शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि इस बार निर्वाचन आयोग की तरफ से जो दो नए मतदान केंद्रों की स्थापना हो रही है, संगवारी मतदान केंद्र और दिव्यांग मतदान केंद्र, काफी अच्छी पहल है। देखना है कि इस चुनाव में जो 17 तारीख को दूसरे चरण का मतदान है और ये जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है इसमें कितने प्रतिशत मतदान हो पाता है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए मैं हूँ संतोष शर्मा। मिली जानकारी के अनुसार आपापुरा वार्ड में लगभग 12:30 बजे चुनाव आयोग की FST टीम ने भाजपा कार्यकर्ता के घर से लगभग 35,000 रुपए जब्त किया है। बताया जा रहा है कि भाजपा कार्यकर्ता लोचन पटेल ने इस रकम को महतारी वंदन फार्म भरवा कर नागरिकों को लुभा कर इस पैसे को देने वाले थे। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए ग्रैंड एशिया न्यूज के साथ, नमस्कार। साथ ही ग्रैंड एशिया न्यूज आप सभी दर्शकों से अपील करता है, जैसा कि आप सभी को पता है 17 नवंबर शुक्रवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा के दूसरे चरण के मतदान संपन्न होने जा रहे हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज की आप सभी दर्शकों से अपील है कि वे स्वयं मतदान करें, साथ ही दूसरों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें, जिससे छत्तीसगढ़ में एक सशक्त सरकार का निर्माण किया जा सके।